Hello guys, welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfab.in. कल यानी फ्राइडे के दिन क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हो सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ये आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर आए बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बना रहा था 14,685 और ब्रेकडाउन लेवल बना रहा था 14,564। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये निफ्टी इंडेक्स का 15 मिनट का चार्ट है। आज कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। शुरू में निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ और एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल के पास ये हर्डल फेस कर रहा था। फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हुआ ब्रेकआउट लेवल को क्लियरली ब्रेक करने में, इसके ऊपर सस्टेन करने के लिए। और जब सेकेंड टाइम इसने ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक किया, फर्स्ट टारगेट 14,704 अचीव हुआ और सेकेंड टारगेट 14,724 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ। एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया और जब ये टूवर्ड्स फिर से साउथ की तरफ आ रहा था तो ब्रेकआउट लेवल एग्जैक्ट इसने सपोर्ट का काम किया और यहाँ से बाउंस बैक होकर एग्जैक्ट आज का जो क्लोज हुआ है, जो एग्जैक्ट सेकेंड टारगेट जो हमने मार्क किया था, वही एग्जैक्ट क्लोजिंग फिगर है आज की। तो काफ़ी एक्यूरेट लेवल साबित हुए। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 20 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था। 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 15,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। अभी ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। अभी कल क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स आ रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। एक बार डेली चार्ट को देख लेते हैं। डेली चार्ट में हमने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था कुछ इस तरह से। ये 900 पॉइंट्स का जो अपसाइड मूव था, इसका लो और बॉटम पर, इसका लो और हाई पकड़ के, तो एग्जैक्ट 61.8% के लेवल के पास से इसने बाउंस बैक दिखाने की कोशिश की है। तो अभी यहाँ आगे अगर बढ़ता है तो कहाँ पर ये हर्डल फेस कर सकता है, रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, उसके लिए हम अगर फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को यूज़ करें, ये स्विंग हाई लो को पकड़ के, तो हम देख सकते हैं अभी 14,750 के आसपास ही आज निफ्टी इंडेक्स ने हाई लगाया। तो इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा, रेजिस्टेंस का लेवल हो सकता है 14,862 के पास। तो इन लेवल्स के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन बनाए। अभी सपोर्ट है यहाँ पर 14,600 के आसपास। ये ब्रेक होता है तो निफ्टी फिर से टूवर्ड साउथ की तरफ आ सकता है। अभी इसने एक जस्ट स्विंग लो बनाया। अभी नेक्स्ट स्विंग लो जब भी बनाएगा ये इस तरह से, ये फिर से हो सकता है यहाँ पर जहाँ ये जो लेवल है 23.6 वहाँ पर ही 20 और 50 ईएमए आ रहा है। हो सकता है फिर से इसको एज ए सपोर्ट टेस्ट करे और फिर बाउंस बैक हो, क्योंकि हमेशा प्राइस पैटर्न जो है वो इस तरह से चलता है, कभी भी स्ट्रेट नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये डेली चार्ट का एनालिसिस है। अभी चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स देखेंगे क्या हो सकते हैं। अगर 60 मिनट को आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हो सकता है एक पैटर्न बने जिसका नाम है डबल बॉटम पैटर्न। ये फर्स्ट बॉटम, ये सेकेंड बॉटम और अभी ये फिर से नेक लाइन के आसपास ही आ गया है। ठीक है, ये नेक लाइन के आसपास आ गया। हो सकता है ये जस्ट अप मूव दिखाए, फिर नेक लाइन को फिर से एक बार रिटेस्ट करे और फिर ये ऊपर की तरफ बढ़े। तो ये यहाँ पर पैटर्न तो बन चुका है, ये प्रोबेबिलिटी है। मोस्ट ऑफ द टाइम 70-80% टाइम ऐसा देखा गया है, जब भी ऐसा पैटर्न बनता है तो ज़बरदस्त तेजी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी है, ऐसा ही होगा, ये कहा नहीं जा सकता। तो अभी हमारा ब्रेकआउट लेवल क्या हो सकता है, तो आज के दिन का जो हाई बनाया है यानी अराउंड 14,744 को अगर कल ब्रेक करता है निफ्टी इंडेक्स तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 14,762, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 14,782, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आ जाता है तो यहाँ पर जहाँ पर आज जो ब्रेकआउट लेवल था, पहले तो उसने रेजिस्टेंस का काम किया, बाद में सपोर्ट का काम किया, तो अराउंड इस लेवल के आसपास 14,676 को अगर ब्रेक करे टूवर्ड साउथ की तरफ तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 14,661। एक छोटा सा क्विकली हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 14,642, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा।
तो ये निफ्टी के लेवल से कल के लिए यानी फ्राइडे का दिन है 7 मई। और चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। बैंक निफ्टी में देखे तो आज भी कोई ट्रेड नहीं बना जो हमारे लेवल्स है वही सेम लेवल्स कल के लिए होंगे फ्राइडे के लिए यानी 7 मई के लिए। आज भी इनसाइड बार ट्रेडिंग हो रहा है, जो प्रीवियस के प्रीवियस डे का हाई और लो था वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। तो एक दिन पहले का कैंडल हम ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल उसका हाई और लो मान के चल सकते हैं। तो सेम लेवल्स होंगे कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए। तो ये इंट्राडे लेवल्स है बैंक निफ्टी निफ्टी के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।